हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जेबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आइए, इस क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं आपको एसएससी सीएचएसएल और एमटी या सीजीएल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों, जो आने वाले होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर मेरे इस वीडियो पे आ गए तो इस वीडियो को अंत तक देख कर और जितने भी क्वेश्चन हम बताने वाले हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ के जरूर जाइएगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे दोस्तों, और जो लोग नए व्यूअर होंगे वे लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, यह क्वेश्चन दोस्तों यानी साधारण ब्याज से है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 2800 रुपए की राशि पर 2800 रुपए की राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज है, यानी 5 वर्ष का साधारण ब्याज पता करना है। जो इसमें दोस्तों देखिए मूलधन जो दिया है कितना दिया है, मूलधन 2800 रुपए दिया है, और रेट कितना दिया है 6%। एकदम बेसिक से बताएंगे कंसेप्ट से ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और टाइम दिया है कितना, टाइम 5 वर्ष दिया है, 5 वर्ष दिया है। तो 1% ब्याज होता है दोस्तों, परसेंटेज ब्याज बराबर आर इंटू टी, ठीक है। आर का मतलब रेट 6 होता है और गुने टी का मतलब टाइम, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 6 5 30% हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दो तरीके से क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों एक होता है फार्मूला एस आई बराबर होता है पी गुने आर गुने टी, ठीक है, और बटे 100 पर 100, ठीक है। अब पी का मान कितना है, 2800 है, 2800 हमने यहाँ लिख देंगे, और गुने आर का मान कितना है, रेट 6% है और टाइम 5 वर्ष, बटे 100, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा लेंगे, 6 5 30 यानी 28 बचेगा, गुने 6 5 30, ठीक है। 3 का गुणा 28 में कर देंगे तो 8 3 24, 8 3 24 और 2 3 6 6 7 8, ठीक है, यानी 840 आ गया इसका एसआई यानी साधारण ब्याज। कितना आ गया, 840। आइए देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और एक तरीका मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक से देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से देखिए क्या हो जाए। परसेंटेज ब्याज निकाल लेंगे, 30% है और इसमें मूलधन कितना है, ठीक है, प्रिंसिपल 2800 है, तो यहाँ 2800 करेंगे गुणे 30%, परसेंट का मतलब 100 होता है, 0 से 0 कटा लेंगे और 30 का 28 का गुना 30 में कर देंगे तो हो जाएगा 840, ठीक है, यानी आ गया इस तरीके से भी आंसर, ठीक है। तो जो आपको आसान लगे उस तरीके से, उस ट्रिक से, जो नियम आपको समझ में आए उस नियम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही आसान तरीके से। और एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना एसएससी, यह क्वेश्चन एसएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चलेंगे इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए मोहन ने 10%, देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और यह एसएससी 2007 में पूछा गया था, एसएससी 2007 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए मोहन ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, ब्याज दर पर, मोहन ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए 80,000 रुपए का ऋण लिया, ठीक है, 80,000 रुपए का ऋण लिया, वह कितने वर्ष, वह कितने ब्याज का भुगतान करेगा, यानी 80,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, 2 वर्ष में वह कितना ब्याज देगा यानी भुगतान करेगा। यही इस क्वेश्चन या चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है दोस्तों सीआई का।
तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इसमें कि जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। रेट जो दिया है दोस्तों, रेट कितना दिया है, 10% टाइम 2 वर्ष, ठीक है, टाइम 2 वर्ष। और इसमें जो जो ऋण लिया है मूलधन कितना है, 80,000 रुपये। मैं आपको एकदम आसान तरीके से बताने वाला हूँ। और इस ट्रिक को देखिए, एसआई निकालने के लिए दोस्तों मेरा एक क्लास एस देखिए अपने इस चैनल पे मैंने सीआई और एसआई यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा मैं कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक, ठीक है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं, यानी सीआई सीआई पता करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सीआई बराबर इधर से रेट का स्क्वायर और 0.2 अंक के बाद, दस मलव 2 अंक बाद, यह मैंने आपको पहले ही वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, रेट का स्क्वायर 0.2 अंक के बाद प्लस एसआई। एसआई का मतलब साधारण ब्याज, परसेंटेज ब्याज में मैंने आपको पहले बता दिया, ब्याज परसेंटेज ब्याज बराबर होता है आर इंटू टी, आर का मान कितना है 10 और टाइम 2 वर्ष है, ठीक है, तो 10 दूना के 20, ठीक है, 20% हो गया। तो क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, हम रेट का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 100 और 0.2 अंक के बाद बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ दो लगा देंगे, प्लस एसआई, एसआई कितना है 20 है, 20 लिख देंगे, ठीक है। अब यह 0.2 अंक के बाद है तो यह खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, 0.2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा या हट जाएगा, तो हो जाएगा 21, ठीक है, सीआई बराबर यानी 21% हो जाएगा, ठीक है, 21% हो जाएगा। तो 80,000 का 21% परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका गुना कर देंगे इसमें 21 में, 8 1 कम 8, 8 दूना के 16, ठीक है, यानी या 2 जीरो उतार देंगे, यानी 16,800 इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक है, 16,800। जब भी हम इस फार्मूले का, इस ट्रिक का कब यूज करेंगे, जब जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए दिया जाएगा, यानी 2 वर्ष के लिए, या ओनली है कितना, 2 ईयर के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये 2 वर्षों के लिए जब भी क्वेश्चन पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज से, तो इस ट्रिक से आप यूज करके सवाल को तुरंत लगा लेंगे, ठीक है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16,800 रुपये 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मुझे उम्मीद है कि जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा दोस्तों तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों इस बोर्ड पे लिख कर पढ़ाना पड़ता है, बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, ठीक है ना, देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए 20%। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपको एसएससी 2008 में पूछा गया था, एसएससी 2008 में पूछा गया था, 20% तथा 15% की दो क्रमिक, क्रमिक क्रमिक का मतलब होता है दोस्तों किसी सामान पे दो बार यानी छूट, क्रमिक बट्टो, बट्टो का मतलब होता है कटौती करना या कटौती या छूट, ठीक है, यानी डिस्काउंट का यह क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्काउंट का के बराबर एक अकेला बट्टा होगा, यानी इसके अकेला बट्टा होगा जी, ठीक है ना। तो इस ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक का यूज करके आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है, और 100%, यानी इस ट्रिक से यूज करके आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स का मान हमने मान लिया 20 और वाई का मान 15%, एक्स का मान 20% और वाई का मान, तो हमने रखेंगे यहाँ पे 20 प्लस 15 माइनस 20 गुने, और यहाँ इंटू है इसका मतलब गुना हो जाएगा, ठीक है, 15 और बटे 100।
अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ परसेंटेज है, परसेंट लगा देंगे, 20 एक कम 20 और 20 25 100 और 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15। अब क्या करेंगे, 3 बचा, 20 है, 20 को लिख लेंगे प्लस 15, प्लस 15 माइनस 3, 20 और 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35, माइनस 3 कर लेंगे तो हो जाएगा इसमें आपका 32, यानी 32%। ठीक है ना, जो अकेला एक बट जो इसका बट्टा छूट होगा वह 32% होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप यू कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ वो आपको जरूर समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।